यहाँ से करीब 200-250 मीटर की दूरी पर ओपन कास्ट प्रोजेक्ट है। यहाँ पर कोयले का उत्खनन हो रहा है और प्रत्येक दिन 9-10 ब्लास्टिंग होती है और ब्लास्टिंग इतनी भयानक होती है कि विद्यालय की दीवार तो आप देख ही रहे हैं, दर्द दे रहा है। अक्सर फर्स्ट टूट के ऊपर से छत टूट के छात्रों के सर पे चले जाया करते हैं। आबादी पर जो यहाँ पर निवास स्थल है उन लोग के सभी के घरों में दरारें भरी हुई है क्योंकि वो लोग नॉर्म्स का पालन नहीं करते हैं और ये नहीं देखते हैं कि इससे कोई प्रभावित होने वाला है या नहीं। ये प्रोडक्शन उनको अधिक होना चाहिए और ऐसी ब्लास्टिंग की स्थिति में किस दिन कभी ये विद्यालय धस जाए या क्या हो जाए, दुर्घटना हो जाए, कहाँ नहीं जा सकता। और जिस समय ये घटना हुई थी उस समय आप कहाँ थे? वहीं पर थे। क्या देखा आपने? कि जब हम लोग जब हाथ दिए तो गर्म हवा और धुआं निकल रहा था। हम लोग बैठे हुए थे तो एक लड़का पानी गिरा दिया था, बस अंदर से धुआं निकलने लगा था। तो आप लोग कहाँ बैठे थे उस समय? पास ही में बैठे हुए थे। घटना में शिक्षा विभाग के तमाम पदाधिकारियों को मतलब देखकर सूचित कर दिया है, अनुरोध किया हूँ कि इस पर जो है जल्द से जल्द कार्रवाई करें और ऐसा व्यवस्था करें कि जब हमारा शिक्षण कार्य बाधित नहीं हो, बच्चे शिक्षण से बाधित हैं। पता नहीं कि डीसी का आदेश निकला था कि बंद कर दिया जाए और वैकल्पिक व्यवस्था किया जाए, फिर किस कारण से नहीं हो सका। और बीसीएल की स्थिति ये है कि ना बिल्डिंग बनाने के लिए ना ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे रहे हैं, ना कोई वैकल्पिक व्यवस्था कर रहा है। मैं नहीं चाहता कि मेरा विद्यालय कभी यहाँ से वहाँ जाए। और गरीब का बच्चा, हम लोग गरीब है, एक बच्चा को अपना तो खिलाने की शक्ति नहीं है, तो बढ़िया हाई स्कूल में हम लोग कहाँ भेजेंगे। गरीब बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, ये स्कूल के हटने से यहाँ काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। मैं और कुजामा के सभी लोग चाहते हैं कि बीसीसीएल प्रबंधन स्कूल के लिए जमीन और भवन जल्द से जल्द उपलब्ध कराए और अभी के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था करे। इसके लिए मैं आप सभी वीडियो देखने वाले तमाम दर्शकों से विनम्र अपील करती हूँ कि आप हमारे डीसी महोदय श्री प्रशांत कुमार को संपर्क नंबर 09471119601 पर फोन कर अविलंब दबाव बनाएं और इन गरीब विद्यार्थियों की मदद करें ताकि इन्हें जल्द से जल्द शिक्षा से जोड़ा जा सके। मैं भारती, कुजामा झरिया, धनबाद, झारखंड से, इंडिया अनहट के लिए।